ये चंदा कानून है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। तू बोला? तू क्यों बोला? वो कहाँ है? वो आया नहीं। आया नहीं? व्हाट यू मीन आया नहीं? सॉरी सॉरी ब्रो। व्हाट यू मीन सॉरी? कहाँ था तू? क्या है आजकल ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई है, 3-4 ट्रेन छोड़ने के बाद अंदर घुसने का मौका मिला मिलाट, और अब सोच रहा हूँ कि छोटी सी गाड़ी ले लूँ, वो नई निकली है ना मेमो, वो वाली। अच्छा, पैसे कहाँ से लाएगा मिलाट? आप है ना, अगर आप थोड़ी सी मदद कर दे तो। मदद कर दे तो? तुम्हें क्या लगता है ये सारी मेहनत मैं अपने लिए करता हूँ या तुम लोगों के लिए करता हूँ? तुम लोगों को लोन देने के लिए करता हूँ? अरे मैं तो किसी चिंदी चोर। प्लीज सिट डाउन, एवरीबॉडी सिट डाउन। हेलो चंदा रानी जी। हाय मिलोर। अरे चंदा रानी जी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। क्या मिलोर? अरे एक बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन भाई मिर्ची होनोलुलु जेल से फरार हो चुका है और हमारे हिंदुस्तान में आ गया है, और सुना है बहुत ही बड़ा बहरूपिया है। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रात बेरात है ना घर से बाहर मत निकलिएगा, और अगर आपका जी करे कि मैं निकलूं तो मेरा नंबर है, घुमा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मिलोर्ड आप क्यों आ जाएंगे? इनकी रक्षा करने के लिए। और आप इनकी रक्षा कौन करेगा? ऑर्डर ऑर्डर। आज का केस, मस्तराम यादव ने अनोखे लाल पर यह केस किया है कि अनोखे लाल पिछले 6 महीनों से चोरी छिपे मस्तराम की भैंस बसंती का दूध निकालकर ले जाते हैं। ये क्या केस है? निकालकर ले जाते हैं, ग्वाला है क्या? क्या है क्या? मिलॉर्ड मस्तराम का केस मैं देख रहा हूं। तो मस्तराम हो गया आपका राम नाम। और मिलॉर्ड अनोखे लाल का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय, आप तो देखेंगी ना, क्योंकि आप कितनी अनोखी हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर मस्तराम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? मस्तराम यादव हाजिर हो। हाय दया। कसम खाई है। अच्छा लगता है। हाथ 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 नहीं लगाने का। हम जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे, मस्ती मस्ती में। नहीं। थैंक यू। जज को आप मारता है? जज को आप मारता है? हथौड़ा खींच कर मारूंगा तो आंख फूट जाएगी, सब हिलना डुलना बंद हो जाएगा। मिलॉर्ड ये आंख नहीं मार रहा है, ये इसकी आंख चल जाती है, इसकी आदत है मिलॉर्ड। अच्छा, मेरा भी हथौड़ा कभी कभार चल जाता है विभूति। एनीवे कंटिन्यू। हाँ तो मिस्टर मस्तराम, ये बताइए कि अनोखे लाल ने आपके साथ क्या हरकत की? अब हम आपको क्या पता है जज साहब, ये अनोखे है ना, वो हमारी बसंती के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं मस्ती मस्ती में। यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने 6 महीना पहले एक भैंस खरीदी 50,000 में, और उस पर इस अनोखे लाल की नजर थी शुरू से मिलॉर्ड, और ये मौका देखकर रात बरात आता है और मेरे मस्तराम की भैंस का दूध चुरा कर पी जाता है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी के पास क्या सबूत है इस बात का कि मेरे क्लाइंट इनकी भैंस का दूध पी जाते हैं? मेरी नहीं, मेरे क्लाइंट की भैंस का। हाँ व्हाटएवर, आपकी क्लाइंट की भैंस का दूध पी जाते हैं, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है जज साहब, सबूत है। सबसे पहले तो अनोखे लाल के घर पे भैंस है ही नहीं, तो इनके घर पे रोज दूध के पकवान कैसे बनते हैं, खीर कैसे बनती है मस्ती मस्ती में? मिलॉर्ड ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर किसी के घर भैंस नहीं है तो क्या उसके घर दूध के पकवान नहीं बन सकते, खीर नहीं बन सकती? और अगर बनी है तो क्या जरूरी है कि वो इन्हीं की भैंस के दूध से बनी है? करेक्ट चंदा रानी जी। गिव मी अ फाइव।
ऑफ कोर्स मिलावट, वो इन्हीं की भैंस के दूध से बनी है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या उस दूध के ऊपर इनकी भैंस का नाम लिखा होता है मस्ती मस्ती में? नाइस वन चंदा रानी जी, नाइस वन, गिव मी अ फाइव। निरंजन, मिलावट नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे क्लाइंट ने कई बार मिस्टर अनोखेलाल को पकड़ा है इनकी भैंस का दूध चुराते हुए। रंगे हाथों मिलोट। अरे नहीं जज साहब, ये हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। का है कि जब ये हमें अपने भैंस के पास देखे रहे तब हम दूध नहीं निकाल रहे थे। तो क्या कर रहे थे आप? भैंस के नीचे बैठकर आप तीन पत्ती खेल रहे थे? हम तो कांटा निकाल रहे थे। कांटा? ए मस्तराम, तेरी भैंस दूध के साथ कांटे भी देती है? अरे नहीं जज साहब, बात ये है कि कई बार इनकी भैंसिया जो है ना चिल्ला चिल्ला कहती है कांटा लगा कांटा लगा, तो हम जाके कांटा निकाल देते हैं। सुना आपने मिलोट? अब किसी बेचारे बेजुबान मासूम जानवर के पैर से कांटा निकालना जुर्म हो गया? मिलोट, कांटा निकालना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन भैंस के पैरों के बीच में इतनी बड़ी बाल्टी रखकर कांटा निकालना जुर्म है मिला। मिलाड, मेरे पास एक फोटोग्राफ है जिससे यह साबित हो जाएगा कि अनोखेलाल मेरे क्लाइंट की भैंस का दूध चुरा रहे थे। आई कैन शो यू द पिक्चर, जस्ट वेट अ सेक। तस्वीर कहाँ? कौन सी तस्वीर? फोटो कहाँ है? बोली मेरी फोटो आपके जिम। ओ शट अप, भैंस की फोटो कहाँ है? मिलोट, हियर इज द पिक्चर। कितना बोलता है ये, केस तो एक भी जीतता नहीं है। जा गोल बेटा, कांटा लगा, फोटो लेके रहा। ओके मिलोट। चंदरानी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या है, क्या है ये? किसी फिल्म हीरोइन का फोटो नहीं है, भैंस का है, काली काली भैंस। सॉरी चंदा रानी जी, ये तो आप ही का क्लाइंट है जो भैंस के नीचे बाल्टी लेकर बैठा हुआ है। मिलोट मिलोट, आप ध्यान से देखिए, वो जो बाल्टी है ना, उसमें वो भैंस के लिए वो दवाई और पट्टी और मरम, वो फर्स्ट एड बॉक्स। एग्जैक्टली, फर्स्ट एड बॉक्स है मिलोट, उसमें फर्स्ट एड का सामान रखा है। नहीं नहीं, इसमें फर्स्ट एड का सामान तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बाल्टी नजर आ रही है, आपका क्लाइंट नजर आ रहा है, भैंस नजर आ रही, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। मिलोट ऐसे कैसे नजर आएगा, आप बाल्टी में झांक के देखिए ना, बाल्टी में अच्छी तरह से देखिए, झांकिए झांकिए। ओह यस 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 यस, मिलोट बाल्टी में घुस जाएंगे क्या? मिलोट, केस आईने की तरह साफ है, सबूत आपके सामने, प्लीज आप फैसला सुनाइए। आप तो राइट चंदा रानी जी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत। मिलोट मिलोट, ऐसे कैसे फैसला सुना देंगे आप? मेरी दलील अभी बाकी है और उसके लिए मुझे एक एक छोटी सी थोड़ी सी मोहलत चाहिए मिलोट। आपके लिए मनाही नहीं है चंदा रानी जी, लेकिन ये सबूत बड़ा स्ट्रांग है, प्लीज आप कुछ कीजिए, नहीं तो ये केस आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। अरे अरे मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन वाला तो क्या करूं, नाचूं गाऊं? अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, आज सिर्फ इनकी वजह से मुझे इतने दिनों बाद हार का मुंह देखना पड़ेगा। का मैडम, हम किस हार जाएंगे का? और नहीं तो का, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुमने ये हरकत की है, उस मस्तराम की भैंस का दूध सच में निकाला है, तो मैं तुम्हारा केस कभी नहीं लड़ती। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे हार का मुंह देखना पड़ रहा है, और मुझे हार बिल्कुल पसंद नहीं है। खासकर जब शिकस्त विभूति नारायण के सामने हो, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? अच्छा तो बताइए अब हम क्या करें? सोचो मत करो,
चपल जी मैम, तुम जाओ इनके साथ इनके एरिया में और जाके अड़ोसी पड़ोसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। जाओ, केस जीत जाएंगे तो सही। अरे पहले जाइए तो सही। चलिए तो सही, हम आपके पीछे आ रहे हैं, चलिए। बुद्धि नारायण से मुझे नहीं हारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। आदाब। आदाब भैया। यहाँ पर मौजूद सारे ख्वातीन और हजरात को मेरा मोहब्बत भरा आदाब। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। लॉर्ड, ये क्या हो गया है आपको? आप इतनी बढ़िया और इतनी शफाफ उर्दू बोल रहे हैं आज। मोहतरमा। यस मिलोर्ड। हाय हाय मोहतरमा, आप जब मुस्कुराती हैं तब आपके मोती जैसे दांत आपके होठों से इस तरह झांकते हैं जैसे सुबह सुबह एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की खिड़की से झांक रही हो। अरे भाई इतना खूबसूरत शेर सुनाया है, दांत तो दीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये शेर शायरी आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो इस गरीब के फैसले की घड़ी है मिलॉर्ड। वाह, इस घड़ी पर एक शायर ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। चुप रहो मिलॉर्ड, आपको मालूम है कि मैं केस जीत रहा हूँ, अब ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं मिलॉर्ड। अरे बाबा क्या बात कही आपने, क्या बात कही, न जान कर न बूझ कर चल दिए हमारा दिल लूट कर। स्विमिंग पूल में नहाकर निकली हुई एक लड़की को देखकर एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, जल्दी से ऐसे शूट कर। मिलॉर्ड मुद्दे पे आइए, प्लीज मुद्दे पे आइए। भैया आखिर मुद्दा क्या है वो भी तो फरमाइए। मिलॉर्ड मुद्दा यह है कि मेरे क्लाइंट मस्तराम ने इनके क्लाइंट अनोखे लाल पे ये केस दायर किया है कि इनका क्लाइंट अनोखे लाल मेरे क्लाइंट की भैंस का दूध चुरा के पी जाता है, और मैंने ये बात साबित कर दी है, मैंने ये प्रूव कर दिया, और आपसे चंद्रानी ने कुछ देर की मोहलत मांगी थी मिलॉर्ड, और उसके बाद अभी दोबारा कोर्ट लगाया मिलॉर्ड, और इनकी शक्ल देख के लगता नहीं कि इनके पास साबित करने के लिए कुछ है। आपके पास कुछ साबित करने के लिए है? नहीं मिलॉर्ड। So, मिलॉर्ड केस आईने की तरह साफ है, मैं ये केस जीत चुका हूं मिलॉर्ड। अनोखे लाल कौन जनाब है? जी हम हैं जज साहब। आप इनकी भैंस का दूध पी जाते हैं, क्यों पी जाते हैं? आपके घर में भैंस नहीं है? नहीं जज साहब। तो ठीक है, ये लीजिए 50,000 रुपए। और एक भैंस खरीद लीजिए और जिंदगी भर पीजिए और पिलाइए दूध। लीजिए। 50,000। काटा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे मजा आ गया। अरे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अकेलाई, धन्यवाद। मिलॉर्ड ये क्या किया आपने? यही तो कल्प्रिट है, यही तो मुजरिम है मिलॉर्ड, और आपने उसको छोड़ दिया, वो भाग गया। मुजरिम अगर है तो भागेगा ही। और जो मेरे क्लाइंट का नुकसान हुआ उसका क्या मिलॉर्ड? अरे उसका हर्जाना भी हम देंगे भाई। मस्तराम ये लो 50,000 रुपए। ये कैश है, ऐश करो। चक्कर आ गए। क्या कर रहे हैं? अरे जाने दीजिए ना, अभी नटकट है। थैंक्स, चलते हैं, बाय। तो चलिए यहाँ से। ये जैसा पागल हो गए। क्यों क्यों पागल हो गए, क्यों पागल हो गए? अरे इतना बढ़िया फैसला सुना दिया जज साहब ने, और मैं हारी भी नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? मिलॉर्ड मैं तो कहती हूँ कि अगर हर अदालत ऐसा फैसला सुनाने लगे तो कोई जुर्म भी ना हो कहीं पे भी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
I mean, आप कमाल है सर, आप I am proud of you. वाह वाह मोहतरमा, कितनी खूबसूरत बात की है आपने। आपकी इसी खूबसूरत बात को सुनकर इस अदालत का दिल कर रहा है कि आपको एक इनाम दिया जाए, और इनाम में आपको 1.5 करोड़ की गाड़ी दी जाती है। What? आपकी फरारी आपका इंतजार बाहर कर रही है। फरारी? छोटी है, रोल्स रॉयस मंगवाएं? मिलोड, फरारी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, आई मीन दौड़ेगी। गोलू बैठे क्या हो, चलो चलो जल्दी जाओ, चाबी लेके दो। ओके मैडम। मिलोड यकीन नहीं आ रहा, कभी आपने जिंदगी में किसी को हाथ गाड़ी प्रेजेंट नहीं की, आपने इनको फरारी दे दी। मिलोड भाई जनाब, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमें सूली पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के बाद इस अदालत से, हमारी इस अदालत से कोई रुस्वा होकर नहीं जाएगा। मिलोड मैं तो रोज ट्रेन से आता जाता हूँ। ट्रेन से नहीं, आज के बाद आप ट्रेन से नहीं बल्कि छोटी सी प्यारी सी गाड़ी मैमो से आया करेंगे, जो आपके घर आज शाम को पार्क हो जाएगी। थैंक यू मिलोड। वैसे आप सभी लोगों को आज शाम को मेरी तरफ से एक दावत है होटल तरारमपम पा में, जहाँ पे मैंने एक मुजरे और गजल की महफिल सजाई है, आप प्लीज वहाँ तशरीफ फरमाइएगा। न जाने किसको कौन सा तोहफा किस वक्त मिल सकता है। कितने खुश नजर आते हैं ये लोग, हैं? भगवान करे इनकी जिंदगी में ये खुशियां कायम रहे। मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी नई गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू चप्पा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते फरारी हमेशा से मेरी ड्रीम कार थी, और आज मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई, वो भी जज साहब की वजह से। आई एम सो हैप्पी। मैडम क्या आप मुझे आपकी नई फरारी में घर तक लिफ्ट दे देंगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स लिफ्ट दूंगी चप्पल, लेकिन देखो देर मत करना, आई कांट वेट। You know, मेरे अंदर के अरमान ना उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, मेरे हाथ ना तड़प रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो जल्दी आना जल्दी। मैडम आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आया। ओके। जज साहब ने कोई लंबा ही झोल किया है, इसकी जेब से कभी 5 रुपए नहीं निकले, उसने तुम्हें 1.5 करोड़ की फरारी दी है। बात हजम नहीं हो रही। हजम होगी भी कैसे, आपसे दूसरों की खुशी देखी कहाँ जाती है। जज साहब ने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी है ना, इसलिए आपको जलन हो रही है, जलन के मारे आप इतने चिढ़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जलन जलन नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि जज अचानक इतना कैसे बदल सकता है। इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है, तुम्हें और अर्दली को इसने गाड़ी गिफ्ट करी, तुम्हारे क्लाइंट को इसने भैंस गिफ्ट करी, महफिले मुझे करवा रहा है, दावते करवा रहा है, कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है।